हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, आज भी जो मार्केट है वो बिल्कुल रेड बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल रेड है इन टर्म्स ऑफ यूएसडीटी। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन जो है कंटिन्यूअसली जो हमारा रेंज है उसको टारगेट रीच कर रहा है। 50,000 का जो बाउंड्री लेवल है ऑलरेडी टच कर चुका है। तो आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या कर सकता है बिटकॉइन, इथेरियम एंड बाकी के ऑल्टकॉइन्स, देखेंगे डिटेल में। जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं छोटा सा डिस्क्लेमर हर रोज की तरह कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टेक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में आपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे साथ मीटिंग रखना चाहते हो तो उसके सारे डिटेल्स जो है वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहे होंगे। एंड साथ ही साथ आप cryptoinsidertea.blogspot.com पे भी जाके फाइंड आउट कर सकते हो। याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे कल का जो है कैंडल, ऑब्वियसली हमारा रेड क्लोज हुआ है, जिसकी मैंने बात कही थी आपको कि ये जो मोमेंटम है ये ऊपर जाते हुए जरूर दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो हमें नीचे ही जाने को मिले देखने को मिलेगा, क्योंकि मैकडी और आरएसआई सब सब कुछ जो है नीचे की तरफ ही शो कर रहा है। स्पेशली जो डिसेंडिंग चैनल बना रहा है दोस्तों, जो ट्रायंगल बना रहा है, ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। एंड आज का दिन भी अगर मैं देखूँ तो आज भी हम उसी लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं जो बाउंड्री लाइन हमारा। क्या आज भी हमें सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा, या फिर फाइनली जाके आज का जो कैंडल है वो क्लोज होता है नीचे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर मैं आपको 1 आवर की कैंडल्स पे ले जाऊं तो 1 आवर की कैंडल्स पे आपको देखने को मिलेगा है कि अभी जो है बैक टू बैक 10 एंड 20 EMA इसको रेजिस्टेंस दे रहा है। एंड अभी फिलहाल जो इस आवर में है, हमने येलो लाइन को बिल्कुल टच किया, परफेक्टली टच किया, एंड उसके बाद बाउंस बैक किया है। कहां तक? ऊपर तक गया एंड वापस से भी नीचे जा रहे हैं। तो ये जो मोमेंटम है ना, यहाँ से बाउंस बैक का, ये अभी भी जारी है एंड एक तरीके से हायर लोज बनाते जा रहे हैं। अगर ये यहाँ से रिटर्न कर जाता है तो शॉर्ट टर्म में ये बुलिश हो जाएगा डोमिनेंस चार्ट पे भी, लेकिन मेरा मानना दोस्तों कि इसे नीचे जाना है। जिस हिसाब से एंड जितनी तेजी से 10 एंड 20 EMA नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है दोस्तों, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये वापस अगर जाता भी तो यहाँ पे 10 EMA रिजेक्शन देगा एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर्स में हमें इसके नीचे जाते हुए दिखेगा। एंड जो भी होगा हाल में अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहे होंगे लिंक, एंड साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बना होगा, तो जरूर जाके आप ज्वाइन कर लो। RSI मैंने कहा था आपको कि यहाँ से मुझे रिटर्न होते हुए दिख रहा है, एंड क्योंकि 50 का जो लेवल होता है वहां पे रेजिस्टेंस मिलता है, एंड अल्टीमेटली हमें जो है कुछ आवर्स वेट कराया बट अल्टीमेटली नीचे गया है। एंड अभी आने वाले कुछ आवर्स हमें नीचे जाते हुए देखेंगे। यहाँ पे 4 आवर के कैंडल पे क्रॉस ओवर हो चुका है, 10 EMA 20 EMA को क्रॉस कर चुका है, तो इट मीन्स कि आने वाले जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर्स है हमें नीचे जाते हुए जो डाउन ट्रेंड है वो जारी रह सकता है। एंड ये धीरे धीरे होगा दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है कि ये जो RSI है जैसे यहाँ पे धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव हुआ है, कुछ वैसे ही ये धीरे धीरे इस लेवल के नीचे आ जाए। एंड एक बार जो 10 एंड 20 EMA नीचे कंटिन्यूअसली बनता चला गया ना, एंड इस व्हाइट लाइन या कह लूं मैं ये येलो लाइन के नीचे आ गया 10 एंड 20 EMA 4 आवर के कैंडल्स पे या वनडे के चार्ट पे दोस्तों, तो ये बहुत बुलिश हो जाएगा ऑल्ट कॉइन के लिए। वहीं अगर वनडे के चार्ट की बात करूं तो वनडे के चार्ट पे आपको मैंने बताया ही कि अभी जो है हम क्रूशियल लेवल टेस्ट कर रहे हैं, एंड आज का कैंडल क्या नीचे क्लोज होता है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 महीने से ऊपर हो चुका है एंड हम कंटिन्यूसली इसी जगह पे बने हुए हैं, और किसी भी आवर में अगर हम ऊपर जाते हैं तो 10 EMA हमें फिर से रेजिस्टेंस देगा, ये क्लियर रखना। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम नीचे की तरफ आज डाउन ट्रेंड जारी रखेंगे, एंड ऑल्ट कॉइन में आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है आज के पूरे दिन। एंड वहीं RSI जो है वनडे के चार्ट पे भी नीचे जा रहा है एंड MACD भी नीचे जा रहा है, तो आने वाले कुछ दिन तो कंसेक्यूटिव जो है या तो साइडवेज मोमेंटम बना के रखेगा या इस लेवल को तोड़ के फाइनली आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर आपको नीचे का मूव तेजी से देखने को मिलेगा। दोस्तों ये वाला वीक जो है आज फ्राइडे है, एंड फ्राइडे जो होता है वीक का क्लोजर होता है, तो नेक्स्ट 24 आवर में जहां पे भी कैंडल क्लोज होंगे वो कहीं ना कहीं CME गैप बिटकॉइन के चार्ट पे भी बनाएगा, तो ये चीज ध्यान में रखना। एंड वीकेंड में जो भी ग्रोथ होता है वो कहीं ना कहीं मंडे को फेल हो जाता है, तो देखने वाली बात होगी क्या वीकेंड में बिटकॉइन जो है वो साइडवेज मोमेंटम लेता है या फिर ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता है। जो भी होगा हाल, वो मंडे को तक जो है मूव मोमेंटम जो है वो चेंज हो सकता है, तो उसी हिसाब से ये डोमिनेंस लेवल भी आपको रिएक्ट करते हुए दिख सकता है। लेकिन अल्टीमेटली अच्छी बात यह है कि वीकली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं डोमिनेंस लेवल, हम बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे की तरफ जा रहे हैं बार बार। अभी हम बाउंड्री लाइन पे हैं कहीं ना कहीं, अगर हम इस वीक इस बाउंड्री लाइन के नीचे कहीं पे भी क्लोज कर लेते हैं वीकली चार्ट, यानी कि नेक्स्ट 3 डेज में दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छे संकेत होंगे ऑल्ट कॉइन को लेके। एंड नेक्स्ट जो वीक होगा फिर हम वापस से इस येलो लाइन को रीटेस्ट करके नीचे अल्टीमेटली जाएंगे। एंड जहां तक मैं बात करूं 10 एंड 20 EMA की, तो ऑब्वियसली जो डाइवर्जेंस है वो अभी भी जो है 62 के लेवल के आसपास बना हुआ है वीकली चार्ट पे, जो कि धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। जितना शार्प मोमेंटम नीचे की तरफ आएगा उतनी तेजी से ये नीचे आएगा। ऐसा लग रहा है कि जो ऑल्ट कॉइन है इस वीक यानी कि ये वीक एंड नेक्स्ट वीक यानी अप्रैल आने से पहले जो है हमारा क्लोजर ले लेगा इस येलो लाइन के नीचे, और ऐसा होता है तो ऑल्ट कॉइन आपको ग्रो करेगा। एंड वही बिटकॉइन की बात करूं, बिटकॉइन जो है वनडे के चार्ट पे कल का कैंडल जो है फिर से हम बाउंड्री लाइन को टच किए हैं, 50,000
$360 तक पहुंच गया था बिटकॉइन एंड वापस से रीगेन किया। क्लोजर जो बनाया कैंडल का वो बनाया लगभग 51,326 के आसपास, एंड वहां से अभी जो मोमेंटम ले रहा है फिलहाल ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर मैं आरएसआई की बात करूँ, पैरेलल मोमेंटम है, मैकडी जो है नीचे की तरफ बना हुआ है, वही सकुस्टिक आरएसआई भी पैरेलल मोमेंटम के साथ वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है। वही 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ तो 4 आवर के कैंडल्स पे थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है यहाँ पे पिछले कुछ आवर्स में, एंड ये जो है हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 52,800 के आसपास। 20 EMA बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, अगर 20 EMA की बात करो तो 53,614 पे। तो ये वाला लेवल जो भी मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर किसी आवर्स में ये ऊपर की तरफ सर्च करता भी है बिटकॉइन का प्राइस तो आपको यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। एंड वही मैं बात करूँ इस येलो लाइन की, तो जी हाँ येलो लाइन तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि 54,000 पे है। मैकडी जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट निगलिजिबल है, आरएसआई थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है नीचे डाउन ट्रेंड को टेस्ट करके, तो मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज मोमेंटम बनेगा या यहाँ पे 20 EMA को रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ जो मोमेंटम है वो जारी रह सकता है दोस्तों। वहीं 1 आवर के चार्ट पे 20 EMA रिटेस्ट कर रहे हैं एंड फेल कर रहे हैं, मैकडी और आरएसआई निगलिजिबल बना हुआ है, तो हम वापस से आने वाले आवर्स में साइडवेज मोमेंटम लेते हुए इस लेवल को नीचे का लेवल रिटेस्ट कर सकता है। अगर ऊपर जाते हैं मैंने लेवल बता दिया लगभग लगभग जो है 53,000 के आसपास, और वहीं ऊपर येलो लाइन के आसपास लगभग 54,000 के आसपास आपको रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है किसी भी पर्टिकुलर आवर्स में अगर ये ऊपर जाता है, लेकिन वहां से ये फिर से डाउन ट्रेंड दिखा सकता है दोस्तों। क्योंकि ओवरऑल जो अगर मैं वनडे के चार्ट की बात करूँ तो वनडे के चार्ट पे मुझे काफी नीचे जाते हुए दिख रहा है, या तो ये आने वाले दिनों में पैरेलल मोमेंटम बना के रखेगा या फिर ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है इसको रीटेस्ट कर रहा है, एंड अगर इसको रीटेस्ट करने में फेल होता है दोस्तों तो मैंने आपको अगला लेवल बता रखा है कि ये जो है मोस्ट प्रोबेबली 45,000 या कह सकते हो 46,400 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकता है एज पर जो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जो बन रहा है उसका जो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, इसके बाद एक मेजर सपोर्ट जो है इसके बाद जो है लगभग जो मेजर सपोर्ट है वो 49,000 पे है, एंड अगर वो ब्रेकआउट करता है तो नो डाउट हम 45,000 से लेकर 46,000 को रिटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं VPVR को हाइड कर दूं एंड जो मैंने आप लोग को व्हाइट डॉटेड लाइन बताई हुई है कि बहुत दिनों से बिटकॉइन फॉलो कर रहा है, तो एक बार फिर से वो जो है अल्टीमेटली उसी को रीटेस्ट कर रहा है पिछले 24 से 48 आवर्स में। कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर नीचे जाता है तो इस व्हाइट डॉटेड लाइन से सपोर्ट मिल सकता है, और देखो कितना परफेक्टली इसको टच किया, एंड आज के दिन जो कैंडल स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट व्हाइट डॉटेड लाइन के ऊपर, इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे कुछ दिनों तक या तो साइडवेज मोमेंटम बनाए या फिर यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिले, और अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है तभी नीचे का लेवल पॉसिबल है दोस्तों। और ब्रेकआउट से मतलब है 4 आवर के कैंडल्स जो है एटलीस्ट नीचे क्लोज होने चाहिए, कितने के लगभग लगभग आज की व्हाइट डॉटेड लाइन की बात करो तो लगभग लगभग $50,500 के नीचे अगर हम बैक टू बैक क्लोज करते हैं 4 आवर के कैंडल्स पे एंड डेली कैंडल दोस्तों, तो फिर आने वाले दिन में हमें 45,000 से 46,000 का लेवल रीटेस्ट करते हुए देख सकता है बिटकॉइन। अगर ओवरऑल जो अभी डिक्लिनेशन की बात करूँ तो अभी तक जो टोटल ओवरऑल करेक्शन आया है रीसेंट पीक से वो आया है लगभग 18.5%, तो ये कुछ भी नहीं है बिटकॉइन में 30 से 40% बहुत नॉर्मल है करेक्शन, एंड वी कैन से कि ये हेल्दी करेक्शन है एंड अप ट्रेंड में ये आना चाहिए, और जब भी हम ऐसा होता है तो हम काफी हेल्दी हो जाते हैं, हमारे चार्ट पैटर्न काफी हेल्दी हो जाता है आगे बाउंस बैक लेने के लिए दोस्तों। तो लेकिन इन सब में अगर ये ट्रेंड लाइन, अगर ये जो भी अक्टूबर से फॉलो हो रहा है अगर इसको नीचे तोड़ता है तो मैंने आपको लेवल बता दिया किस लेवल तक जा सकता है। वर्स्ट सिनेरियो में 42,000 का भी लेवल जो कि यहाँ पे अभी 100 EMA बना हुआ है, मेरा मानना है एक दो दिन में 100 EMA ऊपर आ जाएगा 45,000 का, और 45,000 ही हमारा रीटेस्ट हो सकता है आने वाले दिनों में अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट करते हैं, तो नजर बना के रखना। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि 50,500 के नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है तो आप रेडी कर लेना कि बिटकॉइन नीचे का मूव दिखा सकता है। अगर यहाँ से ये रिवर्सल लेता है तो सबसे पहले ये जो है इसे अब रेजिस्टेंस मिलेगा येलो लाइन से, एंड उसके बाद इस ट्रायंगल जोन जो हमारा बन रहा था उसमें अलग अलग ईएमए लेवल से रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इतना आसान नहीं होगा ऊपर जाना दोस्तों। लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा है ये याद रखना, वॉल्यूम जब तक नहीं आ गया तब तक कोई भी मूव हो वो परमानेंट नहीं है, इतना क्लियर रखना। एंड अभी हम इस वेज का जो है ये जो डॉटेड लाइन का वेज का नीचे वाला बॉटम सपोर्ट टेस्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है हमें तो आने वाले 1-1.5 महीने में हम फिर ऊपर के लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं एक बार जब ये 60,000 लेवल क्रॉस कर ले, एंड उस केस में टारगेट क्या होगा वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताता रहूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं ड्रॉ करूं, जस्ट एडजस्ट किया मैंने थोड़ा बहुत चार्ट को, अगर मैं बात करूं अप्रैल ऑनवर्ड अगर मैं देखूं तो लगभग $1,00,000 तक भी चला जा रहा है इस वेज को अगर फॉलो करें हम, तो ये वेज क्या फॉलो होता है क्या यहाँ पे ब्रेकआउट होता है जैसे यहाँ पे हुआ था फेकआउट, क्या यहाँ पे फेकआउट होता है या ब्रेकआउट होता है? अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर दोस्तों बहुत नीचे तक जा सकता है बिटकॉइन, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे 45,000 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और तब तक आरएसआई भी हमारा नीचे का लेवल सपोर्ट जोन टेस्ट कर चुका होगा, एंड उसके बाद हमें साइडवेज मोमेंटम लेते हुए ऊपर जाते हुए दिख सकता है बिटकॉइन आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में दोस्तों। एंड ये जितना भी स्लो मोमेंटम दिखाएगा, जितना बोरिंग होगा मार्केट ऑल्टकॉइन के लिए उतना ही अच्छा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला मंथ यानी अप्रैल का मंथ ऑल्टकॉइन के लिए बहुत कुछ अच्छा ला सकता है। इथेरियम के BTC चार्ट पे हमें इसका संकेत देखने को मिल गया है, पिछले 24 आवर्स में हमने बैक टू बैक जो है कैंडल जो है अभी हमने ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, कल लगभग
अगर मैं बढ़त की बात करूं तो मामूली सी बढ़त है, लगभग 2% के अराउंड का, लेकिन इसने 20 EMA को फाइनली टेस्ट किया कर एंड क्लोजर जो है इसके नीचे जरूर बनाया, लेकिन आज का कैंडल ओपन होने के साथ ही वापस से ऊपर की तरफ रीटेस्ट कर रहा है। अगर मैं 1 आवर की चार्ट की बात करूं तो अब जो है इथेरियम BTC चार्ट पे सक्सेसफुली 20 EMA को रीटेस्ट कर चुका है, इसको ब्रेक किया पहले कल एंड फिर रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया, रीटेस्ट करके ऊपर सपोर्ट लिया एंड बाउंस बैक दिखाया पिछले कुछ आवर्स में। अब 100 EMA 200 EMA सब जो है इसके नीचे बन गए हैं, यानी कि आने वाले कुछ आवर्स तक आपको इथेरियम BTC चार्ट पर काफी तेजी से ग्रोथ दिखा सकता है एंड अगर ऐसा होता तो डॉलर में भी ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो 4 आवर के कैंडल्स का आपको 200 EMA जो है लगभग 0.31425 के आसपास रेजिस्टेंस दे सकता है, लेकिन एक बार इसको ब्रेकआउट कर लेता है और एक बार इसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर जाता है दोस्तों, तो फिर हमें वापस से जो है ऊपर का लेवल, जो मैं W पैटर्न की बात कर रहा हूं, शायद शायद जो है आने वाले कुछ ही दिनों में आपको फॉलो करते हुए दिख जाएगा। वहीं अगर मैं 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे आपको मैंने बता दिया कि बहुत अच्छा मूव दिखा रहा है मैग्डी RSI, सब कुछ बुलिश है। वहीं अगर 4 आवर के कैंडल्स पे भी मैंने आपको दिखा दिया कि मैग्डी और RSI जो है काफी बुलिश है और आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स बहुत ही ज्यादा बुलिश है इथेरियम के BTC चार्ट पे। वहीं अगर मैं बात करूं 1 डे के चार्ट की तो 1 डे के चार्ट पे जो W पैटर्न है, एक बार यानी अगर आज हम 20 EMA लगभग लगभग 0.3157 का लेवल रीटेस्ट करके ऊपर क्लोज कर जाते हैं दोस्तों, तो कल के बाद इथेरियम में 1 डे के चार्ट पर हमें काफी तेज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ये जो W पैटर्न मैंने बनाया था वो कहीं ना कहीं आपको फॉलो करते हुए देख सकता है आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ इथेरियम के USD चार्ट पे। इथेरियम के USD चार्ट पे कल बिटकॉइन इवन गिरा, राइट, काफी हद तक गिरा, लेकिन इथेरियम के BTC चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मामूली बढ़त के साथ लगभग 0.32% के साथ पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुआ है, कह सकते हो डोजी कैंडल है, लेकिन जो हमारा नीचे का सपोर्ट जोन था वो रीटेस्ट कर लिया, कितने तक गया था, लगभग $1500 तक चला गया था। उसके बाद जो है इसने बाउंस बैक दिखाया एंड अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल डोजी में क्लोज हुआ है एंड आज का कैंडल जब से ओपन हुआ है, क्योंकि इथेरियम BTC चार्ट पे बढ़ रहा है, इवन दो बिटकॉइन जो है थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है, फिर भी इथेरियम USD चार्ट पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, लगभग $1700 के आसपास। आने वाले जो टाइम में अगर हम इस लेवल को, जो कि अभी हम 1614 पे हैं, तो अगर हम इसके ऊपर क्लोज बनाने में सक्सेसफुल होते हैं तो आने वाले टाइम में आपको देख सकता है लगभग $1700 को रिटेस्ट करते हुए। अगर मैं MACD RSI की बात करूं तो क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है मुझे स्टोकास्टिक RSI पे, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम ले एंड RSI भी साइडवेज मोमेंटम ले सकता है अगर इन केस ऑफ बिटकॉइन जो है मूव दिखाता है डाउन ट्रेंड की तरफ, एंड अदरवाइज दोस्तों ये ऊपर की तरफ मूव दिखाएगा इथेरियम USD चार्ट पे। मेरा मानना है थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम इसलिए क्योंकि ये नीचे का लेवल अभी तक RSI पे टच नहीं किया है, तो क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए साइडवेज मोमेंटम लेता है एंड धीरे धीरे रीटेस्ट करके अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जाए, तो इसमें शायद 1 या 2 दिन लग सकते हैं। वहीं अगर मैं बात कर लूँ 1 आवर के चार्ट की तो 1 आवर के चार्ट पे आपको RSI जो है पैरेलल बना हुआ, MACD नेगलिजिबल बना हुआ है, हम जो अभी हमने सक्सेसफुली इसको रीटेस्ट किया 1 आवर के चार्ट पे एंड बाउंस बैक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 1 आवर चार्ट पे हम $1668 जो है रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ आवर्स में दोस्तों, एंड उसके बाद जो अपर लेवल जोन होगा वहां पे $1700 हो सकता है एंड इस ड्यूरेशन में अगर कहीं पे भी नीचे जाता है तो हमें 20 EMA फिर से सपोर्ट देता हुआ दिख जाएगा। वही 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ तो 4 आवर के कैंडल्स पर 20 EMA जो है मेजर रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, अभी भी 1647 का जो लेवल है उसको रीटेस्ट करके ऊपर जाना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है नीचे का लेवल टेस्ट हो चुका है जो मैंने कल भी कहा था आपको, तो इस यहाँ से जो है प्रोबेबिलिटी हाई बनती है कि ऊपर जाए, सकोष्टी कार्य से हमारा कन्वर्जन हो चुका है तो ऑलरेडी MACD में भी हमें चेंजेस देखने को मिल जाएंगे आने वाले कुछ ही आवर्स में दोस्तों, एंड उसके बाद हम इसको रिटेस्ट करके सक्सेसफुली अगर हम क्लोज कर लेते हैं तो 20 EMA के ऊपर बन जाएंगे एंड उसके बाद हमारा 1700 ऑनवर्ड जो लेवल है वो आने वाले टाइम में आपको दिख जाएगा इथेरियम के USD चार्ट पे दोस्तों। ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन इथेरियम एंड जो ऑल्टकॉइन मार्केट है वो क्या कहता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि कोई भी अगर अपडेट आए मार्केट में तो मैं आपको सबसे पहले दूं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। इसके लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.ta.blogspot.com पे जाओगे और अबाउट मी सेक्शन में जितने भी मेरे ऑफिशियल लिंक बने हुए हैं उनको फॉलो कर लेना, यहाँ पे ट्विटर एंड टेलीग्राम पे मस्ट है क्योंकि सबसे पहले अपडेट वहीं पे मिलता है। मेरा ऑफिशियल मेल आईडी ये है जिससे मैं कम्युनिकेट करता हूँ आप लोगों से। अगर आपने अभी तक बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया तो मेरे रिकमेंडेड साइट एंड टूल में जाके बाइनेंस पे जरूर अकाउंट बनाओ क्योंकि ये फ्री है एंड इस लिंक से या फिर इस रेफरल कोड को यूज करके अकाउंट बनाओगे तो 10% का डिस्काउंट लाइफ टाइम के लिए आपके ट्रेडिंग फी पे मिलेगा आपको। तो गाइस मेक श्योर करना इस लिंक से अपना अकाउंट जरूर बनाना है, बाकी आप फाइनेंस यूज करते हो तो WazirX रिकमेंडेड होगा, रेफरल कोड इसका भी बना हुआ 50% लाइफ टाइम डिस्काउंट के साथ दोस्तों। रेस्ट ऑफ द डिटेल्स है BitBNS के है, 1 इंच का है या फिर TA करना चाहते हो उसके लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट का, सबके लिंक यहाँ पे बने हुए हैं। आपने अभी तक पोर्टफोलियो मैनेज नहीं किया तो उसके भी लिंक बने हुए हैं। आपने अगर इंडिया में वॉलेट मंगाना है हार्डवेयर वॉलेट तो आप इन लिंक से मंगा सकते हो, मेरा रिकमेंडेड होगा सेफपल क्योंकि नया है एंड बाइनेंस का प्रोडक्ट है दोस्तों विथ लॉट्स ऑफ फीचर एंड बहुत ही लेस प्राइस पे दोस्तों। एंड दोस्तों अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हो तो आप मेरे होम पेज पे जाओगे, याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मेरे होम पेज पे जाके वहाँ पे लाइव डिस्कशन का फॉर्म बना हुआ है इसे फिल कर दोगे, ये फ्री नहीं है, जो भी चार्जेस है मेंशन है, लेकिन ये चार्जेस कब पे करना आपको मैं आपको सामने से कंफर्म कर दूं आपकी
आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी मेरा ओपिनियन लेना चाहते हो तभी मीटिंग रिक्वेस्ट डालिएगा दोस्तों। अब बिना देरी के चलते हैं एंड आपके ले लेते हैं क्वेश्चन जो आपने लास्ट वीडियो में मुझसे पूछा है। अगर मैं लास्ट वीडियो को लोड करूँ तो मैं देखता हूँ कि तो टोटल जो है 25 यूनिक कमेंट्स आए हैं दोस्तों, एंड उसमें से अगर मैं विनर पिक करूँ तो अशोक जी लिखते हैं बुल रन कब तक आएगा। जी बुल रन ऑलरेडी चल रहा है अशोक जी, पहली बात तो बुल रन ऑलरेडी है, इसीलिए आपको ग्रोथ की बात कही जा रही है। जी हाँ, एंड बुल रन में ये जो लेवल आता है ना रेजिस्टेंस का या फिर सपोर्ट का, इस जगह पे ना हमें टेस्ट करते रहना चाहिए बैक टू बैक, हर महीने या हर 2 महीने पे। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न कमजोर बनता है, और अभी हम जो है सिर्फ सपोर्ट जोन टेस्ट कर रहे हैं। याद रखना बिटकॉइन जो है स्टॉक मार्केट नहीं है, स्टॉक मार्केट में अगर 40% 30% का करेक्शन आ जाता है तो कहते हैं क्रैश हो गया। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी में से क्रैश नहीं कहते हैं, बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी में 30-40% इवन 60% तक जो करेक्शन आता है उसे हेल्दी करेक्शन माना जाता है, क्योंकि हिस्ट्री यही कहता है कि बिटकॉइन हर बार जो है इस लेवल को रीटेस्ट करता है। याद रखना इस बुल रन में अभी तक कोई भी जो करेक्शन आया है वो 20% से ऊपर या 25% से ऊपर नहीं आया है। तो ये जो करेक्शन बन रहा है अगर हम 30% बना लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा ग्रोथ के लिए, चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो चाहे वो बिटकॉइन हो। तो ये जो है बुल रन चल रहा है। ऑल्ट सीजन की अगर आपकी बात करूं तो ऑल्ट सीजन जैसे बिटकॉइन थोड़ा सा मार्केट बोरिंग हो जाएगा, वॉलिटिलिटी कम हो जाएगी, आपको बहुत तेज से सर्ज होता हुआ दिखेगा। यही मैं अपडेट देता रहता हूं डेली आप लोगों को बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे दिख रहा है कि आने वाले कपल ऑफ वीक यानी कि इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक के बाद आपको ऑल्ट सीजन में बहुत तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है रीटेस्ट कर रहा है, जो कि सालों का जो है सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर वो रीटेस्ट करके फेल होता है वहां पे यानी कि ऑल्ट कॉइन का डोमिनेंस लेवल बढ़ेगा, एंड ऑल्ट कॉइन का डोमिनेंस लेवल बढ़ेगा तो ऑल्ट सीजन में बहुत तेजी से स्पाइक आएगा एंड अल्टीमेटली आपको बिटकॉइन बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो होपफुली अशोक जी आपको आंसर मिल गया है। गाइस आप भी चाहते हो कि आपके क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूं तो मेक श्योर कीजिएगा कि कमेंट करो, एंड कमेंट करके अपने डाउट्स क्वेश्चंस या फिर सजेशंस आप टाइप कर सकते हो। मैं ऑब्वियसली एक ही कमेंट लेता हूं वीडियो में ताकि वीडियो छोटा हो, लेकिन मैं कमेंट सारे पढ़ता हूं दोस्तों। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अपने ओपिनियन जरूर आप लिखो, एंड गाइस ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर तो बनता है बहुत, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।